दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि किस प्रकार से महाराणा अमर सिंह ने ओटाला के किले पर अधिकार किया। राजपूतों और मुगलों के मध्य हुआ ये भीषण युद्ध, जिसमें महाराणा अमर सिंह की विजय होती है। इस युद्ध में मुगलों के हजारों सैनिक महाराणा अमर सिंह की सेना के हाथों मारे गए। मुगल सिपहसालार कायम खान, जो ओटाला के दुर्ग पर उस समय कब्जा जमा के बैठा था, महाराणा अमर सिंह ने उसे अपने हाथों से मार गिराया। इस युद्ध में महाराणा अमर सिंह की सेना ने बड़ा ही अद्भुत शौर्य का परिचय दिया। अपनी मातृभूमि की रक्षा में शक्तावत चुंडावत सरदारों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। महाराज जेत सिंह चुंडावत और बल्लू शक्तावत ने अद्भुत शौर्य का परिचय देते हुए वीरगति पाई। इनके अलावा वाधाजी, उनके पुत्र अमराजी, खान देवड़ा, अहीर दामोदर, वैरीशाल, रावत जेत सिंह खंगारोत आदि वीरगति को प्राप्त हुए। महाराज शक्ति सिंह सिसोदिया के वह पुत्र जिन्होंने ओटाला के दुर्ग में वीरगति पाई, उनके नाम इस प्रकार से है: कुंवर सुल्तान शक्तावत, कुंवर मंडन शक्तावत, जगन्नाथ शक्तावत, महाराज भाण शक्तावत, जिन्हें महाराणा प्रताप के द्वारा भिंडर जागीर सौंपी गई थी। दोस्तों, मोहनदास राठौड़ ये निमंडी के चंदन सिंह राठौड़ के पुत्र थे। ओटाला के युद्ध में मोहनदास राठौड़ के वीरगति को प्राप्त करने के बाद उनके पुत्र अमर सिंह राठौड़ को महाराणा अमर सिंह ने भैसरोड़गढ़ की जागीर सौंपी। दोस्तों, ओटाला के युद्ध के बाद जीवित रहने वाले राजपूत योद्धाओं के नाम इस प्रकार से है: देवगढ़ के रावत दुदा चुंडावत, राम सिंह, महाराणा अमर सिंह के मामा शुभकरण पुआर। इस लड़ाई में महाराज शक्ति सिंह सिसोदिया के पुत्र रावत अचलदास शक्तावत, कुंवर मालदेव शक्तावत व कुंवर भूपत शक्तावत ने बड़ी बहादुरी दिखाई। महाराज शक्ति सिंह सिसोदिया के पुत्र कुंवर दलपत व कुंवर भूपत की बहादुरी के चर्चे मुगल दरबार तक होने लगे। मुगलों ने इस युद्ध से घबराकर कोशीथल वगैरह के थानों को बिना लड़े ही छोड़कर भाग गए। महाराणा अमर सिंह ने बुलंद हौसले के साथ मोही, मदारिया, पुर मंडल, रामपुर, बगौर, उटाला समेत 30 मुगल थानों पर हमले किए और विजय प्राप्त की। इन उपलब्धियों के कारण राज प्रशस्ति में महाराणा अमर सिंह को चक्रवीर की उपाधि से विभूषित किया।